लार द्वारा मन स्टार्च पर होने वाली मन या स्टार्च पर होने वाली क्रिया का ठीक है बेटा। ये हमने मार लिया है और ये हमने गेहूं लिया है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमने पढ़ा है पाचन, हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें हमने पाचन की क्रिया पढ़ा है, इसके लिए हमको ये प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं ठीक है। इसमें हम दोनों ले रहे हैं, एक भी ले सकते थे मार या फिर हम आटा ले सकते थे, लेकिन हम दोनों का टेस्ट करके देखेंगे इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है कौन जो है अमाइलेज जो है किसको अच्छे से बचा पाता है, मार को या ठीक है। वैसे अभी तक हमने टेस्ट किया है तो माड़ में ही जो है ज़्यादा जो है स्टार्च रहता है, क्योंकि कलर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे उसकी उपस्थिति देखने के लिए, हम आयोडीन सॉल्यूशन देखेंगे तो हमको ब्लू कलर का दिखेगा, फिर जब हम उसमें क्या डालेंगे हमारा लाल डालेंगे क्योंकि उसमें माइलेज है, तो एक या दो घंटे बाद देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा कलर चेंज होगा, मतलब तब तक स्टार्च उसमें नहीं होगा इससे उसका कलर जो है फेड हो जाए ठीक है। तो चलो करो, सबसे पहले हमने दो बीकर लिया, उसमें आधा जो है बीकर पानी लिया, एक माड़ के लिए लिया है एक गेहूं के लिए लिया ठीक है। चलो इसको भी हम नेमिंग कर देते हैं, इसमें डालो गेहूं में आधा चम्मच गेहूं वाले हाँ डालो, इसको हम क और ख करेंगे, एक को हम कंट्रोल लेंगे और एक में हम लार डालेंगे अमाइलेज। ये है गेहूं, अच्छे से उसको डिजॉल्व करो, ये गेहूं के लिए अ और ब हो गया, अब उसका भी घोल बना ले, ये है गेहूं का घोल अ और ब, ये है आपका ख जो है कंट्रोल, और ये इसमें होगा लाल, ये है आपका चावल का मार, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम देखते हैं ठीक है। मिला लिया और अच्छे से शेक करो, कितना डालो एक तो पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है हाँ। इसमें इसमें मार ज़्यादा डालना पड़ेगा, थोड़ा पानी कम करो, कम करके हाँ। अब चलो योगिता करो, अब इसको हम क्या करेंगे, गेहूं वाला है हाँ, इसमें 20 बूंद या 25 बूंद डालो, अच्छे से लो, इसको नहीं ये गेहूं है बेटा, इतना ले सकते हैं ठीक है। अब इसमें आयोडीन, अब हम आयोडीन से हाँ ये पहले माड़ वाला भी बना लो ठीक, डालो माड़ थोड़ा और माड़ा और थोड़ा डालो, ये हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं, देख कलर देखो गेहूं वाला है हुआ हाँ। है ना, मतलब इसमें स्टार्च है। मार डाले इसमें हाँ। इतना नहीं डाला, पर मुझे लग रहा है कम डाले डाले थे, बहुत कम है, बहुत ही कम है बस। ठीक है ये है माड़ वाला, डालकर देखते हैं
हम बहुत सारा है। देखो इसका कलर देखो, कितना डार्क है, इससे ज्यादा डार्क है ना। हाँ है ना। देखो दिख रहा है इसके कलर देखो, इसका ब्लैक ज्यादा नहीं है। हाँ। अब क्या करना है बताओ, एक में हमको लाल डालकर देखना है, कौन डालेगा? नहीं डालना है तुम्हें, एक एक में हमको दोनों में लाल डालना। डालो टेस्टिंग, ज्यादा मुंह में ले लो फिर डालो, और एक में कोई और डालो, ये लो, थोड़ा ज्यादा डालना तब रिजल्ट आएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको लाल डालने के बाद 1 आवर या 2 आवर के लिए रख देना है। फिर क्या करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कलर ठीक से चेंज हुआ कि नहीं हुआ। कैसे देखेंगे, इसमें जांच करेंगे ना। हाँ। फिर से हम उसमें क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालकर देखेंगे ना, शेक कर उस बच्चे से, कितना बूंद डालेंगे। हाँ तो पूरी बात बताओ ना, फिर हम 1-2 घंटे के बाद देखेंगे 1-2 बूंद डाल करके दोनों में क्या कलर चेंज आया। ठीक है, क्या इधर कौन सा गेहूँ वाला है लिखा हुआ ना। शेक किया अच्छे से, देखो इसमें हमने लार डाला है और इसमें हमने नहीं डाला, लार डाला मतलब इसमें माइलेज है, ये अब घटित करेगा, कुछ देर बाद हमको कलर चेंज दिखेगा। हम फिर से 2 बूंद आयोडीन डाल करके हम इसको चेक करेंगे कि इसमें कितना स्टार्च का अपघटन हुआ है। ठीक है, तो स्टार्च का अपघटन कौन सा एंजाइम कर रहा है, माइलेज। हाँ बोलो, नहीं आप बोलो। हाँ, एंजाइम में हमेशा ASC लगता है उसके नाम में, अमाइलेस एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करता है। यही हम इस प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि हमारा जो भोजन होता है वो हम जैसे ही मुख में लेते हैं, मुख से ही पाचन होना चालू हो जाता है। ठीक है, हमारे मुख में क्या होता है, लार है। हाँ। हम चबाते हैं, लार में कौन सी एंजाइम है, अमाइलेस एंजाइम। ठीक है, ये अमाइलेस एंजाइम जो है ये हमारा भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को अपघटित करता है। ठीक, तो जिसमें कि पहले हमने उपस्थिति देखी आयोडीन सॉल्यूशन डाल के, जिससे कि वो स्टार्च है इसलिए ब्लू कलर हो गया। उसके बाद हम एक में लाल डाले एक एक में, ठीक है, ताकि हम देखेंगे कि उसमें अमाइलेस एंजाइम जो है कितना अपघटित कर रहा है। फिर हम बाद में फिर उसको 2 घंटे बाद देखेंगे आयोडीन सॉल्यूशन 1-2 बूंद डाल के कि क्या कलर चेंज आया, क्या वो ब्लू ही है या फिर उसमें अपघटित हुआ है स्टार्च। ठीक है।